हेलो हेलो, जी, सलाम फरमाइए। वालेकुम जी। मैं मुनि जी बात कर रहा हूँ इंडिया से, और हजरत माशाल्लाह, जी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जी? हजरत जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। अब माशाल्लाह तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो आप भी सही कदर करने की तौफीक अता फरमाया हमें। और हजरत जी आपको तो माशाल्लाह बहुत सारी करामतें जाहिर होती हैं हमें, और उनमें से मतलब एक करामत जिक्र करनी थी। तो मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगा। मतलब मैंने बैत होने से 1-1.5 साल पहले देखी थी, तो मतलब मैंने एक ख्वाब देखा। मेरे मतलब मामूल है कि मैं रात को आपको बयान सुन के सोता हूँ। तो अच्छा आपने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जो बयान करा कि वो मतलब कौन है, तो हजरत जब मैं सोया रात को, तो मतलब वो आपकी तासीर थी जबान से, और मतलब अल्लाह का फजल हुआ कि मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को देखा ख्वाब में, और मतलब और खास हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। तो मैं मतलब मैं यही सोच रहा उठ के, तो हजरत की करामत है कि हजरत ने मतलब जबान से लिख दी, और मतलब वही बात ख्वाब में देखी। और मतलब माशाल्लाह ऐसी बहुत सारी करामत हजरत आपके जाहिर होती है। तो जी इसके बारे में और मतलब फरमाइए आप ठीक हजरत। ठीक बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज तो आप हजरात की इजहार मोहब्बत जो है और आपकी अकीदत की बरकत से जो करामतें जाहिर हो रही हैं, तो जाहिर है कि करामत जो अल्लाह तबारक व ताला अपने लुत्फ़ व करम से जाहिर करते हैं, बंदे का इसमें कोई दखल नहीं होता। बल्कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल, बस औकात उस साहिब करामत को पता भी नहीं होता कि मेरी क्या करामत ज़ाहिर हो रही है। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ख़ुद को ये इलम नहीं था कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो जुलेखा के चुंगले में फंसे हुए हैं और जुलेखा उनकी तरफ जो बुराई की नज़र से बढ़ रही है, और याकूब अलैहिस्सलाम का सरापा आ गया और वो उन्होंने यूँ उंगली रखी हुई है और कहा कि ये क्या कर रहे हो, यूँ हैरान हो रहे हैं। तो यूसुफ याकूब को देख के दरवाजे की तरफ दौड़े हैं। तो लिखा है कि खुद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का पता ही नहीं था। ये वो लतीफ़ा गैबी था कि अल्लाह तबारक व ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल में यूसुफ को दिखाया मिस्र के अंदर। तो इसलिए याकूब को ख़बर नहीं। तो होता है कि बस अवकात नबी हो या वली हो तो उसको अपनी करामत का खुद को पता भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला एक लतीफ़ा गैबी जो है वो किसी दूसरे अकीदतमंद पर ज़ाहिर कर देते हैं। तो लेकिन वो आप अकीदतमंदों की मोहब्बत है कि आप हज़रात कोई चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, वरना मैं तो खुद ना कोई साहिब करामत हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। मेरे बुज़ुर्गों का फैज़ान है, जो उनसे मोती इकट्ठे किए वो आगे बांटने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह से शर्फ़ कबूल की दुआ करता हूँ। बाकी आप हज़रात की इज़हार मोहब्बत, उसका बदला आप हज़रात को खूब मिले। बाकी आपने माशाल्लाह सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को देखा, मेरा बयान सुनने के बाद अल्लाह ने आपको ये नूर दिखा दिया तो बहुत मुबारक है। और यही रास्ता है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं बस उन्हीं को लेके आगे चलना है। ख़ासतौर पर खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली, जो असल में जो सारे अंबिया के कमालात का जो खुलासा निचोड़ हैं, उन्होंने जो कहा जो किया और जिस जो जो अदाएँ दिखाई हैं उन अदाओं पर मर मिटने का जज्बा पैदा करें। अल्लाह ताला मुबारक करे। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन।